योगा फेडरेशन द्वारा जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन आज योगशाला अम्बाला में किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन जयदीप आर्य अध्यक्ष हरियाणा योग परिषद एवं अश्विनी कालड़ा के द्वारा किया गया। दो दिवसीय होने वाली इस प्रतियोगिता में जिला भर के 182 स्कूलों से 610 प्रतियोगियों ने भाग लिया। मौके पर जयवीर आर्य द्वारा दीप प्रज्वलित कर एवं बच्चों को खेलों की शपथ दिलाकर प्रतियोगिता शुरू की गई। इस मौके पर चीफ गेस्ट जयदीप आर्य ने कहा कि योगा को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार पूरे प्रयास कर रही है। हर जिले में योगशालाएं खोली जा रही हैं और इस मौके पर योगा फेडरेशन के जिला प्रधान राजेंद्र विज भी मौजूद रहे। इन्होंने बताया कि योगा को बढ़ावा देने के लिए योगा फेडरेशन निरंतर प्रयास कर रही है और उसी कड़ी में आज जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। कि अनुकरणीय योगशाला है, यहाँ पर जिस प्रकार योग का प्रचार प्रसार हो रहा है वो पूरे प्रांत के लिए अनुकरणीय है। यहाँ पर जो ये पहली आज योग चैंपियनशिप में मुझे पता चला 182 स्कूलों के विद्यार्थी भागीदारी कर रहे हैं, ये अपने आप में गौरव की बात है। और आज एक अच्छा ये हुआ कि अम्बाला की जो योगा फेडरेशन 2019 से जो रजिस्टर्ड है उसने हरियाणा योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन के साथ मिलने का भी निर्णय लिया है। अब ये जो बच्चे अम्बाला के बच्चे हैं इनको हरियाणा स्तर पर खेलने का अवसर मिलेगा, इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का अवसर मिलेगा और इन बच्चों की सिलेक्शन हो सकता है आने वाले खेलो इंडिया कार्यक्रम में, नेशनल गेम्स में भी हो। उल्लेखनीय यह है कि योगासन एक खेल के रूप में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने डिक्लेयर कर दिया है और ये प्रक्रिया योगासन को आगे बढ़ाने का दायित्व हरियाणा योग आयोग को हरियाणा सरकार ने दिया है। 2019 में योगशाला का निर्माण हुआ था, तब से निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं योगा फेडरेशन की तरफ से कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को योगा में निपुण कराया जाए। आपने अभी परफॉर्मेंस भी बच्चों की देखी है, डॉक्टर साहब ने कहा भी है, मैंने भी रिक्वेस्ट करी है कि जो खेलो इंडिया होगा उसकी यहाँ पर प्रस्तुति पेश की जाएगी इस डांस की जो अभी आपने देखा है। कितने बच्चों ने आज पार्टिसिपेट किया, कितने बच्चे इसमें 550 पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 180 स्कूलों के बच्चे आए हैं, जो बहुत ही बड़ी संख्या है जो किसी भी गेम में आज तक नहीं आई। बहुत ज़्यादा सब स्कूलों ने यहाँ अपने बच्चे भेजे क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम ये निर्णय लिया कि बीपीएल के बच्चों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, उन्हें उसी ढंग से हर ढंग से रखा जाएगा जैसे हर बच्चे को रखा जाएगा। योगा टीचर की जो मांग की है उसमें क्या कहना, कितने योगा टीचर चाहिए? देखो अभी हमारे पास 3 ही योगा टीचर हैं सिर्फ, जबकि 19 योगशालाएँ हैं। तो डॉक्टर साहब से मैंने यही अनुरोध करा कि योगशाला आप तभी बनाएं जब टीचर हो, क्योंकि ज़्यादातर जो योगशालाएँ हैं वो गौशालाएँ बनी हुई हैं, सारी गाँव में लोग उनमें डंगर बांध रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा कार्य मेरे दिमाग से तो शिक्षक को भर्ती करना है ताकि जो भी बनी हुई है हमारे पास वो मुझे मालूम नहीं है कि स्टेट लेवल पे कितनी है, कि उनमें जाकर शिक्षक योगा कराना शुरू करते हैं। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।